नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, मिशन स्वच्छ नर्सिंग एजुकेशन। जी हां, एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर मोड़ पर घपले ही घपले इन दिनों सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था, जो कुछ चल रहा था वो हैरान करने वाला था। एनडीटीवी ने बीड़ा उठाया, नर्सिंग शिक्षा में अव्यवस्थाओं की पोल खोली, नर्सिंग शिक्षा में घोटालों को उजागर किया। हाईकोर्ट के फैसले से साबित हुआ कि हम सही दिशा में सवाल उठा रहे थे। जो जांच कर रहे थे उनमें से भी कुछ हाथ करप्शन में लगे हुए दिखे। अब सिस्टम के पास कार्रवाई के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, कार्रवाई शुरू हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि ये मध्य प्रदेश में मिशन स्वच्छ नर्सिंग एजुकेशन की शुरुआत है। हमारी भी इस पर नजर रहेगी, क्योंकि सवाल हजारों बच्चों का है, मेडिकल जैसी सेवा का है। हमेशा की तरह आप भी अपनी राय हमसे साझा कीजिए। हमारा फोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं, एक बार मैं दोहरा भी देती हूँ, 8178-9991-82। तो आपकी कॉल का, आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। शिवपुरी से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने नर्सिंग स्टूडेंट्स से इसी बारे में बातचीत की। क्या उनका कहना था नियमों की अनदेखी को लेकर, स्टूडेंट्स से और भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, क्या जवाब उन्होंने दिया, आइए देखते हैं। नर्सिंग कॉलेज एक विवादित इंस्टीट्यूट बन गए, और विवादित इंस्टीट्यूट अगर बने हैं तो उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। वजह साफ तौर पर देखी जाती हैं, कहाँ कहाँ ये संचालित हैं, कि नियमों के अंतर्गत संचालित हैं, और कैसे इनमें पढ़ाई होती है, कैसे बच्चे डिग्री लेंगे और कैसे आगे चल के किसी की जान बचाने का काम करेंगे। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बच्चे खुद अनुभव करते हैं और ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को इसमें बेहद सुधार की जरूरत है। आइए बात करते हैं कुछ स्टूडेंट के साथ में और उनका जानते हैं ओपिनियन कि वो नर्सिंग की पढ़ाई को लेकर के किस तरह का वातावरण और सरकार से क्या चाहते हैं। आप नाम बता दीजिए। आईने शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि जो नर्सिंग की पढ़ाई है कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, नर्सिंग कॉलेज की बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग कॉलेज साफ होना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं उसमें बढ़नी चाहिए, क्या लापरवाही अगर सरकार की तरफ से आई है तो सामने आई है, उसको साफ करना चाहिए और हमको पढ़ाई करना चाहिए आगे। नर्सिंग कॉलेज तो मतलब नर्सिंग पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट मानती हैं? क्योंकि हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पढ़ना है ना, तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है नर्सिंग की पढ़ाई। और सरकार ऐसी किसी को अगर मान्यता दे दे तो आपको दुख होता है? हाँ, दुख होता है ना। कीर्ति, आप ये बताइए कि नर्सिंग की पढ़ाई को लेकर के इतना सेंसिटिव होना चाहिए और सरकार जो कर रही है या इंस्टीट्यूट में किसी तरह की लापरवाही मिलती है तो क्या लगता है? वो हमें ना, पहले तो पढ़ाई तो सभी बच्चे कर ही रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम आगे चल के किसी की जान बचा सकते हैं, लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं इसमें। तो सरकार को ना नर्सिंग में हर चीज अच्छी तरीके से करना चाहिए और उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप कह रही हैं कि आप किसी की जान बचाने के लिए डिग्री ले रही हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं, तो सरकार को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। क्या क्या कमियां लगती हैं? उनमें ये लगता है कि ये बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम सभी लोग ही करते हैं, जितने छात्र हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं ना, वो सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके पता चलता है कि उनके एग्जाम ही नहीं हुए। बच्चे 2 साल तक भी बैठा है और 4 साल भी हो जाते हैं, लेकिन ढंग से कोई ना पढ़ाई होती है, मतलब कुछ करवाती नहीं है सही से। मनीषा जी, ये बताइए कि जो नर्सिंग की पढ़ाई है, ये कहती हैं कि वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चल के डिग्री जब मिलेगी, इसके बाद इनको जॉब मिलेगा, तो ये लोगों की जान बचाने का काम करेंगी। कितना इत्तेफाक रखती? सर, ये कई हद तक सही भी है, क्योंकि नर्सिंग की पढ़ाई सिर्फ और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जान बचा रहे हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं आजकल जो मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं, तो एक रोजगार भी है, उनको भी तो अपना घर चलाना होता है, तो कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट को इस क्षेत्र में जॉब निकालनी चाहिए, टाइम टू टाइम उनके लिए एग्जाम्स करवाने चाहिए और बच्चों को ऐसे धोखाधड़ी में नहीं रखना चाहिए कि पोस्टपोन कर दिया, आज करवा रहे कल करवा रहे 2 महीने बाद 4 महीने बाद, ये ठीक नहीं है। डिपार्टमेंट को अपने हिसाब से सोचना चाहिए, बच्चों का फ्यूचर है। हाँ, तो इसलिए टाइम होनी चाहिए एग्जाम। और जो स्वच्छता को लेकर के या साफ जो व्यवस्थाएं हैं, नियम कायदों के अनुसार कॉलेज चलना चाहिए, इसका कितना इत्तेफाक रखती है? हाँ, इसका यही है कि हम जैसे कि देख रहे हैं आजकल सरकारी डिपार्टमेंट्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि वो साफ सुधरे रहे, लेकिन हम जहाँ तक नर्सिंग में देखते हैं वहाँ हमें इतनी सफाई देखने को मिलती नहीं है। तो बस यही कहना है मेरा कि वहाँ पे सफाई होनी चाहिए और सब चीजों का ढंग से प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि जगह जगह डस्टबिन वगैरह रखवा दो, अच्छे से सफाई करवा दो, थोड़े वहाँ पे कर्मचारी वर्ग को और बढ़ा दो। और पढ़ाई में जिस तरह की जो लापरवाही होती है, अनदेखी कर दी जाती है कॉलेज को स्वीकृति मिलने के लिए, तो वो नहीं होनी चाहिए?
हाँ हाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अनदेखी क्यों करना है बच्चों को, जब वो पढ़ रहे हैं तो उनको अच्छे से पढ़ाओ, जब वो अपना इंटरेस्ट इस चीज़ में डेवलप कर रहे हैं तो सामने वाले को भी सोचना चाहिए कि जब बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग भी इंटरेस्ट रखें, उनके विचारों का सम्मान करें, उनको आगे लेके जाएं, ज़रूरी है। देखिए, बच्चों ने साफ तौर पर कहा कि जो शिक्षा है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये जो नर्सिंग की शिक्षा है वो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिग्री जब उन्हें मिलेगी और जब उनका जॉब आगे चल के लगेगा तो कहीं ना कहीं ये लोगों की जान बचाने का काम करने वाले हैं। ऐसे में अगर सरकार इन नियमों की अनदेखी करती है और अगर इनको अनुमति दे दी जाती है और ये मनमाने तरीके से नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं तो इस एनवायरमेंट को सुधारने की सख्त जरूरत है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV। और इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रमेश कुमार हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं NOA, और इसके अलावा अजय बिश्नोई पूर्व चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर शरणजीत कौर हैं नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर पराप पराड़कर हैं नर्सिंग इंस्टीट्यूट के संचालक। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हम आपसे रमेश जी, मेरा सवाल आपसे है, आप प्रदेश अध्यक्ष NOA से, जिस तरीके से नर्सिंग कॉलेजों की जो मनमानी लगातार सामने आ रही है, जो घोटाले नर्सिंग कॉलेजों को लेकर हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, आप जांच की जब बात सामने आती है तो ये पता चलता है जो जांच कर रहे हैं उनके हाथ भी कहीं ना कहीं घोटाले से रंगे हुए हैं, वो भी रिश्वत में आरोपी पाए गए, क्या कहेंगे इसको लेकर? रमेश जी, मेरा सवाल आपसे था। जी मैडम, आप सुन पा रहे हैं रमेश जी हमें? हाँ जी मैडम। रमेश जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से नर्सिंग को लेकर, नर्सिंग कॉलेजों को लेकर घोटाले आए दिन सामने आ रहे हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं नर्सिंग कॉलेजों पर? जी मैडम, ये एक बहुत गंभीर विषय है और जो इस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई है, अब इसमें क्या है कि मैडम, जिन लोगों ने मान्यता दी है या जो भी इन्फेक्शन करने वाले हैं उन लोगों ने क्या देखा, ऊपर आला अधिकारियों ने जिन लोगों ने जिस प्रकार से नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी है, कोई बिना पैमाने के इस प्रकार से अनदेखी की गई है, ये बल पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के साथ एक खिलवाड़ है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और यहाँ बिल्कुल स्वास्थ्य से जुड़ा मामला और शुरुआत से ही जो अनदेखी हुई वो तो है ही, वही सवाल खड़े भी हो रहे हैं। अजय विश्नोई जी पूर्व चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे साथ। अजय जी, खामियां तो हुई, लापरवाही हुई और शुरुआत से हुई, जिसका नतीजा आज उन छात्रों के सामने आ रहा है जिन्होंने बहुत भरोसे के साथ नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन लिया था और अब जाकर पता चलता है वो कॉलेज या तो सील होने वाले हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास जो उनको दिए गए वो अनफिट तौर पर, और कहीं ना कहीं ले देकर उनको उनको वैध करार दिया गया, जो अब खामियां सामने आ रही है निकलकर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अजय जी, आपसे सवाल है। भविष्य तो इसमें इन्वॉल्व हुआ है जी, और बच्चों के भविष्य के साथ खेल जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि जी, नहीं? जी अजय जी, कही अपनी बात। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? अजय जी, हम आपको सुन रहे हैं। मैंने कहा कि बच्चों के भविष्य का सवाल, तो फिर बीच में बार बार क्यों बोल रही हो आप? अजय जी, हम बीच में नहीं बोल रहे, थोड़ी आवाज डिले पहुंच रही है आप तक, आवाज देरी से पहुंच रही है। तो मेरे को बोलने था तो बोलने दीजिए। ये सवाल बच्चों के भविष्य का है, बच्चों की पढ़ाई, जो 4 साल का BSc नर्सिंग का कोर्स होता है वो सरकार ने यदि 3 साल तक परीक्षा नहीं ली है तो अब वो कोर्स जो है 6 साल का हो गया, और जिस परिस्थितियों में आज की तारीख में अभी भी कॉलेजों की मान्यता पर तलवार लटकी हुई है, तो अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये 6 साल में भी कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा। और वो सैकड़ों कॉलेज जो अभी 60 कॉलेज तो ऐसे हैं कि जो अनसूटेबल हो गए हैं, 167 जो सूटेबल हो गए थे उसमें से भी हो सकता है ये रिश्वतखोरी का चक्र में कुछ और भी लोग पकड़ में आए और उनमें से भी कुछ लोग बाहर हो जाएं। फिर ये पूरी जांच होने में अभी तक 12-15 महीने लग गए, अब फिर से जांच होगी, फिर कितने महीने लगेंगे ये नहीं पता है। तो हमारा वो जो
आगरा जैसे 23-24 में यहाँ बच्चों का प्रवेश हो ही नहीं पाया, जीरो ईयर घोषित कर दिया है विश्वविद्यालय ने। अब 24-25 का क्या होगा ये भी स्पष्ट नहीं है। ये सब चीज़ें सिर्फ बच्चों के भविष्य से नहीं जुड़ी हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं के भविष्य से भी जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार ध्यान दे रहे हैं, उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बातचीत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार तेजी से मेडिकल कॉलेज खोलती चली जा रही है, नए नए अस्पताल खोल रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोल के आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत तादाद में अस्पताल आ रहे हैं। इन अस्पतालों की सेवाएं बिना नर्सों के नहीं चल सकती, तो नर्सें आएंगी कहाँ से यदि कॉलेज ही नहीं होंगे, कॉलेज में यदि प्रवेश ही नहीं होगा और कॉलेज के प्रवेश करने के बाद बच्चों को नर्सिंग की परीक्षा पास नहीं करेंगी, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में कहाँ से बच्चों यानी स्वास्थ्य सेवाओं को नर्सें मिलेंगी। ये पूरा एक चक्र है, इस चक्र को ध्यान में रखते हुए अपन इस बात पर गौर करें कि ये परिस्थिति क्यों निर्माण हुई। ये परिस्थिति का निर्माण इसलिए हुआ, कुछ लोगों ने नर्सिंग को प्रोफेशन की बजाय व्यवसाय समझ लिया, पैसा कमाने की मशीन समझ लिया, और जब प्रोफेशन को प्रोफेशन ना समझ के व्यवसाय समझते हैं और पैसा बनाने की मशीन बनते हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ों के साथ में खिलवाड़ होता है और उस खिलवाड़ में बहुत से लोग शामिल होते हैं। जो लोग शामिल हुए हैं वो बराबरी के दोषी हैं, चाहे वो अस्पताल के संचालक हों, सोसाइटी के मालिक हों, या फिर वो हमारे परमिशन देने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हों, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इंस्पेक्शन के नाम पे धूल झोंकी और इंस्पेक्शन फर्जी करके परमिशन देकर चले गए। अच्छा, इनसे इंस्पेक्शन कोई एक स्तर पर नहीं होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी इंस्पेक्शन होता है, लोकल मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी इंस्पेक्शन होता है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी इंस्पेक्शन होता है, हेल्थ विभाग की तरफ से भी इंस्पेक्शन होता है। इतने लेकिन अजय जी, सवाल तो यहाँ पर यही है, आप खुद मान रहे हैं कि गलती हुई, खामियां सामने आई, लेकिन एक दो साल कहीं तो ये लापरवाही नहीं है ना। कई छात्र हैं जो 6-6 साल से परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं और अब जाकर उन कमियों का उजागर, उन खामियों का उजागर किया गया है, ये एक दो साल की लापरवाही तो नहीं है, यानी कि सिस्टम में शुरुआत से ही अनदेखी इसको लेकर की गई। अब जब सवाल खड़े हुए तो जरूर अब बात की, अब तमाम उन कमियों को भी गिनाया जा रहा है और जांच की भी बात की जा रही है, पहले से ही क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दिया गया? आप ज्यादा जानती हैं इस विषय में, आप बोल लीजिए, मेरे को तो जो जानकारी थी वो मैं दे रहा हूं। जवाब देने के लिए बिठाया गया है अजय जी, आप जवाब तो दीजिए ना, आपसे सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछने के लिए आपको यहाँ पर बिठाया गया है। जब कुछ चीजें, कुछ आंकड़े सामने आए हैं, उन्हीं को सामने रखकर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। नहीं हूं। और जब आपके कोई आपका अपराधी नहीं हूं, आपके विभाग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है तो उसको आप जवाब देते नहीं बन रहा है, आप जवाब देना नहीं चाहते हैं तो आपको मंच पर नहीं आना चाहिए था, सवाल तो पूछे ही जाएंगे आप, क्योंकि विभाग से संबंधित है, सवाल जरूर पूछे जाएंगे, उसका जवाब आप नहीं देना चाहते वो अलग बात है। आप सुनना नहीं चाहती, आप बीच में टोकती हैं। अजय जी, आपको कोई नहीं टोक रहा है, आपसे सवाल पूछा, इंतजार किया गया, आप बोल रहे हैं कि आपको ज्यादा पता है। सीधी सीधी बात है, मेरे को आपने विशेषज्ञ के रूप में बुलाया है, आपको मेरी बात सुनना है तो सुनिए, और आपको विषय की ज्ञान नहीं है तो अपनी बहस को बंद कर दीजिए। आपको खुद को विषय का ज्ञान नहीं है, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं थी, संयम के साथ आप जवाब दें। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा, जो रोजाना उजागर हो रहे हैं बड़े बड़े घोटाले इसको लेकर, उसी से जुड़ा सवाल आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं और आप जवाब देना नहीं चाहते, वो आपकी मर्जी। आप कह रहे हैं कि मैं इसके लिए जवाबदार हूँ, मैं जवाबदार नहीं हूँ, मैं इस बहस को यही छोड़ रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। आपको बहस लेना नहीं आता, करना नहीं आता, आपको संचालन करना नहीं आता। आप मत बात कीजिए अजय जी, आप जाइए, आप जाइए, आपसे एक जवाब मांगा गया था क्योंकि आप विभाग से संबंधित थे। चलिए बहरहाल, जब उनके विभाग से जुड़ी लापरवाही और खामी सामने आई तो बीच में वो बात को छोड़कर जाते हुए, क्योंकि जवाब उनसे देते नहीं बन रहा है, जब अपनी कमी सामने आई और उसको लेकर सवाल खड़े किए गए, हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है, उसी को लेकर सवाल उनसे पूछा जा रहा है और उसका जवाब उनसे देते नहीं बन रहा था कि आखिर शुरुआत में ही इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अब जब सवाल खड़े किए गए हैं तो अब वो क्यों दोषी और लोगों को करार दे रहे हैं? डॉक्टर पराग पराड़कर भी हमारे साथ हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हैं। डॉक्टर पराग, अब आप इसको लेकर क्या कहेंगे, जब जांच इस पूरे मामले में की जा रही है, अभी हाल फिलहाल में जब सीबीआई की टीम को जांच का जिम्मा दिया गया तो उसमें 3 सीबीआई के अधिकारी इसमें दोषी पाए गए, जिन पर जांच का जिम्मा था वही रिश्वत लेकर फिटनेस का सर्टिफिकेट उन कॉलेजेस को दे दिया गया जिन नियमों पर वो खरे भी नहीं उतर रहे थे।
हेलो जी पराग जी, आपको आवाज मिल हेलो रही है? जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, पर मुझे आप लग रहा है कि कुछ सीबीआई से संबंधित आप पूछ रही हैं। पराग जी, जिस तरीके से नर्सिंग कॉलेजों को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, अब उन जांच टीमों पर भी सवाल खड़े हुए, जब जिस तरीके से घोटालों की जो जांच की जा रही है, जिस तरीके से इन कॉलेजों को मान्यता दी गई, अब जिन अधिकारियों पर यह जिम्मा था वही रिश्वत लेकर फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हुए नजर आए, जिसमें 3 अधिकारियों पर जांच में बिठाई गई है। देखिए, मेरा मानना है कि जो हम लोग निजी संचालक हैं, इन्होंने पूरी अपनी मेहनत से हमको मान्यता सरकार द्वारा दी गई है, और हमने पूरे मापदंडों के अनुसार ही नर्सिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए हैं। अब सीबीआई द्वारा जो भी की गई है जांच, उस पर हमने पूरा अपना सहयोग दिया है, पर मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये छात्र हित की बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जो छात्राएं हैं बहुत ही कम निचले इससे आती हैं और अपनी पढ़ाई करती हैं और अपना एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहती हैं। आप सोचिए, 3 साल तक कोई नर्स नहीं मिलेगी। चूंकि मैं एक चिकित्सक भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि नर्स बिना अस्पताल, कोई भी अस्पताल नर्स के बिना नहीं। अब हमने 3 साल की एक खाई खोद दी है, उसके बाद कैसे नर्सेज मिलेंगी? बाहर से तो कोई नर्सेज आने नहीं वाली हमारे यहाँ। तो हम चाहते हैं कि ये जो पुराना जो नर्सिंग कोर्स कर रही है लड़कियां बच्चियां, उनको पूरा एग्जाम के जरिए उनको पास किया जाए, और जल्दी से जल्दी जो नया नया सेशन है उसमें सारी आप अपनी ये लगाएं, पूरी पूरी दृढ़ता से आप जांच करें, सीबीआई करें कुछ भी। लेकिन जो पुराने बच्चे जो एडमिशन ले चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी विधिवत एग्जाम करवाई जाए और उनको इस मेन स्ट्रीम में लाया जाए। बिल्कुल, विधिवत एग्जाम कराने की मांग ही वो छात्र कर रहे हैं जिन्होंने एक भरोसे के साथ एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में लिया था, लेकिन अब वो भरोसा कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। जाकिर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी जाकिर, कहिए क्या कहेंगे, क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? मैडम, अभी मैं आपकी डिबेट देख भी रहा हूं मैं, जी है ना। इसमें जिस तरीके से आपने अजय बिश्नोई जी से सवाल किए और वो जिस तरीके से अपने सवालों का जवाब देके भागते हुए नजर आए, जी तो कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते, सच बात नहीं बोलना चाहते, जबकि वो अच्छे से जान रहे हैं कि इन कॉलेजों में कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है। अभी सबने देखा कि सीबीआई का अधिकारी 10 से 20 लाख रुपए रिश्वत लेके अनफिट कॉलेजों को मान्यता दिलवा रहा है, तो ये उससे अकेले पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो सिस्टम है, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो चाहे वो मंत्री हो, कहीं ना कहीं इनकी बंदरबांट तो होती है। लेकिन इन सबके बीच में ये जो मासूम बच्चे हैं जिनका 5-6 साल ये बर्बाद हो गया, इनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पा रही, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज कितनी बेचारी लड़कियां हैं जो सालों से पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई करने के बाद उनको अपना सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा, तो वो कहाँ नौकरी कर पाएंगी? बिल्कुल जाकिर जी, हमारा जो मुद्दा है, जो हमारी कोशिश है, वो यही कि हम सिस्टम के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं, जिस सिस्टम की वजह से जो लापरवाही हुई और इन हजारों छात्रों लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सतना में कुछ नर्सिंग के छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, ज्ञान शुक्ला ने, कुछ स्टूडेंट से, आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नर्सिंग घोटाला आज आम चर्चा का विषय बन चुका है। सीबीआई ने पहले इस मामले की जांच करी और जो दोषी कॉलेज थे उनके अलावा जो कुछ क्लियर कॉलेजेस थे उनको एनओसी दी गई, एजुकेशन चालू हो गया। 3 साल 4 साल के इंतजार के बाद कॉलेजेस में एग्जाम चालू हुए, लेकिन दोबारा से जब से एक बात भ्रष्टाचार सामने आया कि नर्सिंग की जाँच में तमाम फर्जीवाड़े हुए हैं, उसमें हाई कोर्ट के आदेश पर अब दोबारा कॉलेजेस की जाँच हो रही है। हम आए हैं सतना जिले के मनोज जैन मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज में, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम राधा है। राधा जी, किस कोर्स में हैं आप यहाँ पे? मैं जीएनएम कर रही हूँ। जीएनएम कर रही हूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे पापा मजदूरी करते हैं। अच्छा, मदर क्या करती हैं आपकी? हाउस वाइफ हैं। अभी ये जो जांच चल रही है, दोबारा से अब सब कॉलेज का दोबारा रीवेरिफिकेशन होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कितने सालों में 3-4 साल डिले हो गया? ये तो मतलब हमारे साथ नाइंसाफी है। जो कॉलेज अच्छी हैं, मतलब उनको डिग्री मिली कि हाँ उन कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो उनको क्यों मतलब पीछे किया जा रहा है? या फिर बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है ना, कि 3 साल का कोर्स है, 4 साल हो रहे हैं, बल्कि
एक साल के अंदर एग्जाम होने चाहिए, चार चार साल यहाँ हो रहे हैं। ये तो बच्चों के साथ, कॉलेजों के साथ इंसाफी हो रही है ना। हमारे पेरेंट्स डेली पूछते हैं कि तीन साल लगने था हमारे में, चार साल पाँच साल लग रहे हैं। तो हमारे पापा मजदूर करते, पैसे कहाँ से भरेंगे? हमारे साथ इंसाफी हो रही है, हम आगे कैसे आगे बढ़ेंगे ये बताइए। हाँ, कैसे आगे जाएंगे हम? जी, मेरा नाम विभा अहिरवार है। जी, क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या आपका? मेरे पापा फार्मर हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं। विभा, कौन सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं जेएनएम सेकेंड ईयर में हूँ। ये जो जांच दोबारा से अब कॉलेजेस की जांच हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी फैमिली पे? जी, हम पर और हमारी फैमिली दोनों पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हमारी फैमिली बहुत परेशान है और प्लस हम भी परेशान हैं कि पेपर कब होंगे और कैसे होंगे पता नहीं। अभी कुछ मालूम नहीं है कि पेपर कब तक होंगे। एक तीन साल का कोर्स में तो लगातार जिस तरीके से नर्सिंग के छात्रों की हम आपको बातें भी सुना रहे हैं, परेशान हैं अपने भविष्य को लेकर। डॉक्टर शरणजीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शरणजीत, हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे, आप जिस तरीके से नर्सिंग के छात्र कह रहे हैं कि ठीक है, आप कुछ कॉलेजों में परीक्षा की तारीख भी सामने आई है कि परीक्षाएं होंगी, लेकिन अभी भी उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि परीक्षाएं होंगी, क्या वो सही तरीके से संपन्न होंगी और क्या रिजल्ट वक्त पर आएगा? क्योंकि जिस तरीके का माहौल नर्सिंग कॉलेजों को लेकर बना हुआ है, एक के बाद एक रोजाना कोई चौंकाने वाली खबर, एक के बाद एक कोई घोटाला सामने आ जाता है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो छात्रों का भविष्य है, वो जो विश्वास है, वो डगबगा रहा है। जी मैम, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये सारी चीजें सवेरे उठते हैं तो लगता है कि कुछ एक नई चीज हमारे सामने आ रही है। आज ये घोटाला हो रहा है, वो घोटाला हो रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो रहा है। बच्चे जो सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए एक साल में, उनको दो साल चार साल के बाद एग्जाम हो रहा है। अब बच्चों का ये भी हो रहा है, कॉलेजेस को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कॉलेज वाले कहाँ तक मतलब साथ दे रहे हैं, लेकिन कहाँ तक साथ देंगे, लेकिन देते हैं। अब यूनिवर्सिटी में भी हम लोग इतनी बात करते हैं कि आप लोग एग्जाम टाइम पे कराइए, लेकिन चीजें हो नहीं पा रही। इसकी वजह से एनरोलमेंट लेट है, चीजें लेट है, बच्चों की जो स्कॉलरशिप आनी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म हम लोग तब तक नहीं भर सकते जब तक बच्चों का एनरोलमेंट नहीं हो जाता। जो अच्छे कॉलेज है वो भी इन चीजों में फंसते जा रहे हैं जिनमें बहुत सारी चीजें सही चल रही थी। तो इसको लेकर बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में दिखाई दे रहा है और बच्चों का जो उनका एक विश्वास था वो बहुत ज्यादा डगमगा गया है। बच्चे हमसे रोज पूछते हैं, मैम होगा एग्जाम, कब होगा, कैसे होगा, तो हम लोग खुद उनको प्रॉपर एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनको विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि हम लोग कब तक उनकी ये पढ़ाई पूरी करवा पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर शरणजीत, सवाल यही है कि उन्हें ये जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर और कितना वक्त उनको उनके जो जिस कोर्स को कंप्लीट करने में वक्त पूरा हो जाना चाहिए था और कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि मामला लगातार खिंचता चला जा रहा है। रमेश जी, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अब क्या लगता है कि जल्द ही, क्योंकि अब एक नई टीम को जांच का जिम्मा दे दिया गया है, जब तीन सीबीआई के अफसर दोषी पाए गए इस मामले में, अब एक नई टीम को जिम्मा दिया गया है, क्या लगता है अब क्या ईमानदारी से आगे जांच इस तरफ बढ़ पाएगी? जी मैडम, मेरा मानना है कि सरकार को इसमें देखना चाहिए, उनकी निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि पहले जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगे और जो चीजें सामने आई वो गलत था। और जैसे मैडम ने बताया कि बच्चों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं, लंबे समय से छह साल से ट्रेनिंग करवाई और बच्चों का अभी भी बहुत से आधार में लटका हुआ है, तो सरकार को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग को लेकर सरकार काम कर रही है, नए नए मेडिकल कॉलेज, नए नए अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खोले जा रहे हैं, उनमें नर्सेज कहाँ से लाएंगे? नर्सेज की कमी पूरे मध्यप्रदेश में बनी हुई है और तीन चार साल से एग्जाम नहीं हो रहा है, तो ये देखते हुए अब नर्सेज की कमी भी आने वाले समय में बहुत होने वाली है। और जो आप बात कर रहे हैं कि नई जांच जो टीम गठित की है वो सरकार की निगरानी में होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कठोरात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और आगे कोई ऐसा न करे उसके लिए भी एक मापदंड पैमाना बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, आगे कुछ ऐसा ना हो इसके लिए मापदंड तय होने चाहिए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसको तो व्यवस्थित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर पराग, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि जो निजी कॉलेज के संचालक हैं जिन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने कॉलेजों को शुरू किया और चला रहे हैं, सवालों के घेरे में अब वो भी आ गए हैं अब, लेकिन ऐसे में छात्र जिस मानसिक प्रेशर से इन दिनों गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव से,
ऐसे में छात्रों को आपकी तरफ से आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि देखिए जो निजी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं परेशानी उनके सामने भी है, जो सरकारी कॉलेजेस में है परेशानी उनके सामने भी है। जी, मैं तो चाहता हूं कि सब इसका सबका समाधान ये होगा कि परीक्षा जल्दी से जल्दी करवा दी जाए छात्राओं की, जिससे उनपे मानसिक और फाइनेंशियल सारा बर्डन कम हो सके और तुरंत के तुरंत वो अपने पढ़ाई में लगे और आगे की कक्षाओं में जाएं और इस प्रदेश को बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हम मुहैया करा सकें। तो इसका मेरे हिसाब से तो समाधान इमीडिएट यही है कि जो छात्र छात्राएं एडमिशन ले चुके हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हो, सूटेबल अनसूटेबल डेफिशिएंट, उनको परीक्षा में बिठाला जाए तुरंत और उनको परीक्षा देने के बाद ही फिर आगे आगे की जो भी प्रक्रिया है, सरकार सीबीआई इंक्वायरी है, जुडिशियल इंक्वायरी है, सारी करती रहे, लेकिन उन बच्चों पे कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। ऑलरेडी वो 3 साल हो चुका है, उनकी बायोलॉजिकल भी एक वो रहती है, बच्चों की ये उम्र रहती है, शादी की रहती है, ये सारा चीज डिले हो गई है, उसकी वजह से उनके मानसिक और परिवार का बोझ रहता है, इतनी ज्यादा फीस कैसे भरेंगे, हॉस्टल बिल्कुल वही दबाव, घर से प्रेशर, पढ़ाई करनी है। जिन सपनों को संजोकर उन्होंने इस कोर्स में एडमिशन लिया था, अपनी प्लानिंग थी, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटती हुई नजर आ रही है इस सब घटनाक्रम के मद्देनजर। डॉक्टर पराग आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर शरणजीत और रमेश जी हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में